हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं स्वास्थ्य सम्मेलन। और आपको अब बता दें, अब से थोड़ी देर बाद यूपी में कोरोना के क्या है हालात, किस तरह से यूपी में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है, इस बारे में होगी एक्सक्लूसिव बातचीत। योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद इंडिया टीवी पर जारी स्वास्थ्य सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले देश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, उस पर हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल जवाब किए। कई बड़ी बातें उन्होंने कही और वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, और कहा कि वैक्सीन लगने के बाद वायरस का असर कम जरूर हो रहा है, लेकिन लोगों को अलर्ट रहना होगा। वैक्सीन को लेकर अमेरिका का भी उन्होंने जिक्र किया, बताया कि अमेरिका से भी ज्यादा 10 करोड़ डोजेस बेहद कम समय में भारत में लगाई गई हैं, और केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन यूपी में हालात कैसे हैं? क्या यूपी में भी वैक्सीनेशन की अभी और जरूरत है? यूपी में लगातार बढ़ रहे मामलों पर क्या कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, एक बार फिर से बता दें। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ होंगे स्वास्थ्य सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ एक्सक्लूसिव लाइव। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।